समाजवादी पार्टी ने हरिंद्र मलिक और जबकि बसपा से दारा सिंह प्रजापति को मौका दिया गया। समझने वाली बात यह है कि मुजफ्फरनगर में 2009 के चुनाव में 54.44% वोट पड़े थे। इधर 2014 में मोदी लहर हुई और मोदी लहर के दौरान वोटिंग फीसद बढ़कर 69.74 पहुंच गया। दरअसल इस तरीके से 15% यहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और निर्णायक इजाफा भी यहां पर देखने को मिला। बीजेपी के लिए ये बड़ा चिंता का सबब यह भी बन सकता है कि वो जहां जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है, सशक्त है, वहां पर इस बार जनता ने कम उत्साह देखने को मिला है। तो देखिए, लोकसभा की लड़ाई बिजनौर से बात कर ली जाए तो चंदन चौहान यहां पर उतारे गए। यहां पर मुरादाबाद की बात कर ली जाए तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दरअसल कैंडिडेट्स और उम्मीदवारों की हम चेहरे भी दिखा रहे हैं कि कहां से किसको उतारा गया। रुचि वीरा को मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने उतारा, जबकि मुजफ्फरनगर की बात कर ली जाए तो संजीव बालियान बीजेपी से, बसपा से दारा सिंह प्रजापति, जबकि समाजवादी पार्टी से हरिंद्र मलिक ने यहां पर मौका दिया है। तो मुजफ्फरनगर की बात की, इसके बाद हम नगीना की बात करेंगे। यहां पर ओम कुमार बीजेपी से तो बसपा से सुरेंद्र पाल, जबकि समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को यहां पर अपना प्रत्याशी घोषित किया था। हालांकि अब सभी की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है, 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। पीलीभीत से बात कर ले, जितिन प्रसाद चूंकि कैबिनेट में मंत्री भी है उनको बीजेपी ने मौका दिया। तो भगवत शरण गंगवार को समाजवादी पार्टी ने उतारा। इधर अनीस अहमद को बसपा ने मौका दिया। रामपुर से बात कर ले, जो कि कभी आजम खान का गढ़ भी हुआ करता था, तो मोहिबुल्ला नदवी को यहां पर समाजवादी पार्टी ने मौका दिया। जिशान खान को बसपा से, जबकि घनश्याम लोधी को बीजेपी ने अपना चुनावी प्रत्याशी यहां पर घोषित किया। हालांकि वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है। सहारनपुर की बात करें तो राघव लखनपाल शर्मा को बीजेपी ने मौका दिया। पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, वहीं मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूं मैं। लेकिन सबसे पहले मनीष अग्रवाल जी, आप ही का रुख करते हुए किस तरीके से देखेंगे, क्योंकि मतदान फीसद हुआ लेकिन आकलन जो हमने निकाला उसमें ये पता चला कि जहां जहां पर बीजेपी मजबूत थी वहां पर लोगों का जो उत्साह था वो देखने को मिला है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज तो आपने भी देखे होंगे, क्या आकलन आपका कहता है, क्या विश्लेषण आपका कहता है? मनीषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनावों में, इन वोटिंग परसेंटेज में थोड़ी सी उदासीनता तो है मतदाता की, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज मुझे इसमें नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो दूसरे पक्ष का मतदाता बड़े जोर शोर से निकलता है। तो बीजेपी के लिए सोचने का विषय है कि थोड़ा सा मतदाता उदासीन क्यों है, लेकिन कोई सरकार के विरोध में लहर जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप देखिए, तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में जो मतदान हुआ है वो अपनी प्रतिशत से कहीं ज्यादा हुआ है, औसतन से भी कहीं ज्यादा हुआ है। तो वहां पे हमें बदलाव की एक उम्मीद दिख रही है। मतदाता ये प्रदर्शित करने का कोशिश कर रहा है कि वो कुछ चेंज चाहता है। यूपी का मतदाता थोड़ा सा सुस्त था, हो सकता है गर्मी इसका कारण हो सकता है उसको विपक्ष में इतनी मजबूती ना दिख रही हो कि विपक्ष उतने अच्छे से लड़ रहा है। क्योंकि आज मुझे लगता है पहली संयुक्त रैली विपक्ष की हो रही है यूपी में। अभी तक इन 8 सीटों के लिए कोई संयुक्त रैली नहीं हुई, बस एक प्रेस वार्ता हुई थी। तो मतदाता की उदासीनता ये भी हो सकती है कि उन्हें मोदी के आगे कोई ऐसा मजबूत विपक्ष नहीं दिख रहा कि वो उसके विरोध में अगर वोट डालना चाहे तो निकले। तो उन्होंने पहले ही ये मन बना लिया है कि यही लोग जीत रहे हैं, इसलिए वो आराम से बैठे। ठीक है, मैं मनोज रस्तोगी जी का रुख करना चाहूंगी। मनोज जी, आप किस तरीके से इस मतदान फीसद के आंकड़े को देख रहे हैं? पंकज जी, क्योंकि यहां पर देखिए जिस तरीके से मनीष अग्रवाल जी ने भी अभी जिक्र किया कि यहां पर उदासीनता देखने को मिली है, वजह क्या यही आप मान रहे हैं कि यहां पर विपक्ष अपने आप को एक मजबूत और सुदृढ़ तरीके से विकल्प के तौर पर पेश नहीं कर पाया? हालांकि बहुत देरी की है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई, अब चूंकि रोड शो भी निकाला जाएगा या फिर सभा कह लीजिए, सभा भी की जाएगी, तो ये काफी देर हो चुकी है। इससे पहले ही जब चुनावी मोड पर बीजेपी नजर आ रही थी तो उसी वक्त एक विकल्प के तौर पर कम से कम विपक्ष को नजर आना चाहिए था, और यही वजह है उदासीनता की भी। देखिए मनीषा शर्मा भी एक बात को समझ लीजिए कि ये दो लड़कों की जोड़ी अखिलेश और राहुल गांधी, ये बंटा धार कर देंगे। इसके पहले भी ये जोड़ी फ्लॉप रही है, फ्लॉप शो साबित हुई है, और ये जोड़ी मान के चलिए कि ये इंडी गठबंधन का बंटा धार कर देंगे। इंडी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में 1-2 सीटें मिल जाए तो बहुत सौभाग्य की बात होगी। लेकिन और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, और चूंकि गर्मी की विभीषिका है, उसमें कार्यकर्ता वोटर को घर से लाना
और किसी, लेकिन एक बात तो ये समझ लीजिए, भले वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है पिछले 2019 की अपेक्षा, लेकिन सभी जगह हुआ है। लेकिन ये मान के चलिए इस तरह की कोई एंटी कंपेंसिंग देखने को नहीं मिली, जनता में किसी प्रकार की लहर नहीं है कि मोदी सरकार को हटाया जाए, और लोग मोदी सरकार के प्रति कृत संकल्प है। और मैंने कई बार जिक्र किया है, ये अंडर करंट चल रहा है राम मंदिर मुद्दे का, राम मंदिर का भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है जो 500 वर्षों के बाद हिंदू समुदाय ने देखा है, तो ये मान के चलिए कि ये अंडर करंट चल रहा है। और मोदी सरकार ने जो डिलीवरी किए, जो कार्य दिए, जो किए हैं, उसको भी जनमानस देख रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इंडी गठबंधन अभी तक न किसी रैली में अपने को शो कर पाया, न किसी तरह से वो कर पाया, तो इंडी गठबंधन फ्लॉप शो साबित हो रहा है। उतनी मजबूती के साथ यूपी में नजर नहीं आ रहा, कांग्रेस तो यहाँ पर दूर दूर से नजर नहीं आ रही है। मनीष जी, अब क्या यही वजह है कि मोदी की गारंटी का जिक्र बीते कुछ दिनों में लगातार हर सभा में प्रधानमंत्री ने खुद भी किया है, सीएम ने किया है, और तमाम उन प्रत्याशियों ने भी किया है जो कि लगातार अपने पक्ष में वोट की अपील वो लोगों से करते हुए नजर आए, तो क्या मोदी की गारंटी का प्रभाव ये देखने को मिला कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी या फिर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई परिस्थिति देखने को नहीं मिली इस फर्स्ट फेज में? क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सीटें भी हैं, चाहे हम पीलीभीत का जिक्र कर ले, सहारनपुर का, मुजफ्फरनगर का, तो ये तमाम वो सीटें रही हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और यहां पर भी अगर एंटी इनकम्बेंसी रामपुर जैसी सीट पर अगर नहीं देखने को मिली है, तो लिहाजा यहां पर मुद्दे काम किए हैं, चाहे वो मोदी की गारंटी का हो या फिर राम मंदिर का हो। गारंटी, और दूसरा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो लाभार्थी नाम का नया सेगमेंट भाजपा ने क्रिएट करा है ना, ये हर जगह मौजूद है, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू सब जगह मौजूद है। और ये जो साइलेंट वोटर है ना, ये सिर्फ उसे जो मिल रहा है और जो आगे मिलने की उम्मीद है उस महत्वाकांक्षा में वोट करता है। तो ये पार्टी से अलग हट के वोट करता है, ये विचारधारा से अलग हट के वोट करता है, जिसको आप साइलेंट वोटर कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि इसने अपना मन बना लिया है कि हमें पिछले विगत 70-75 सालों में जो नहीं मिल पाया था और जो धीरे धीरे मिल रहा है और जिसे आगे और बढ़ने की उम्मीद है, स्थिरता की उम्मीद है। कल मैं आप ही के चैनल पे दिन में सुन रहा था, कुछ महिलाएं जो वोट डालने आई थी वो सिर्फ इस बात पे कह रही थी, और कोई बात नहीं कह रही थी, वो सिर्फ ये कह रही थी कि भाजपा ने देश को सुरक्षित रखा है। तो अगर घरेलू महिलाएं जो दोपहर में 12 से 2 के बीच में वोट डालने आ रही है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट डाल रही है, तो राष्ट्रीय मुद्दों पे तो विपक्ष कोई कंपटीशन कर ही नहीं पा रहा भाजपा से, चाहे वो देश के बॉर्डर सुरक्षित करना हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित करना हो, चाहे देश को एक अच्छी विचारधारा की तरफ ले जाना हो। कल आप देखिए, प्रधानमंत्री ने रैली में संबोधित करते हुए कहा कि योगी जी पिछले दोनों रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 14 के भी और 19 के भी, योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ेगी। और आज यूपी के माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान में प्रचार कर रहे हैं, तो उनके पास यूपी में प्रचार करने के बाद भी इतना समय उपलब्ध है कि आज वो राजस्थान में रोड शो और प्रचार कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग कितना डेडिकेटेड होके, कितना जनता से जुड़ के चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री और प्रदेशों में भी बुलाया जा रहा है रैली के लिए, रोड शो के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी लोकप्रियता है, लोगों का उसमें विश्वास है। जो योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है यूपी में, कानून व्यवस्था का मॉडल है, उसमें उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक विश्वास जागृत हुआ है, वो भाजपा के लिए भी अच्छा है और यूपी के वोटर्स के लिए भी अच्छा है। क्योंकि ऐसा नहीं है यूपी के लोग रोजगार के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में आसपास के या और राज्यों में नहीं जाते, लेकिन जब हम लोग वहां जाते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का वहां भी तारीफ करी जा रही है, वहां भी इस मॉडल का जिक्र हो रहा है, तो एक लेकिन ये नैरेटिव घरेलू महिलाएं अगर ये कह रही है कि हमारा जो देश है वो सुरक्षित है, विदेश में हमारे भारत का नाम रोशन हुआ है, मान सम्मान बढ़ा है, और अब देश जो विश्व है वो मोदी को सुनता है, प्रधानमंत्री का स्वागत करता है, दोस्त मानता है, और हमारी सलाह जो है वो प्राथमिक तौर पर सुनी जाती है विश्व में, बाकी देशों में भी, मजबूत देशों में भी, लेकिन क्या ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई? क्योंकि इससे पहले जितने भी चुनाव हुए उसमें हमने महिलाओं को, खासतौर पर जो किचन संभालती हैं, जो रसोई संभालती हैं, जो गृहस्थी संभालती हैं, उन महिलाओं को हमने देखा नहीं है कि वो ऐसे मुद्दों को लेकर चर्चा करती हो या खुलकर अपनी बात कहती हो और उस पर वो वोट करती हैं। मनीषा जी, भाजपा ने जो नया वोट बैंक क्रिएट करने की कोशिश करी ना, आधी आबादी वोट बैंक, उसको उन्होंने गैस सिलेंडर दिए उज्ज्वला योजना के थ्रू, 370 उन्होंने, 370 धारा का तो थोड़ा सा कम इम्पैक्ट है, लेकिन ट्रिपल तलाक जो उन्होंने दिया, और जो महिलाओं के लिए आवास की योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो महिलाओं को मिलता है, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं मुख्य धारा में सरकार ने जोड़ने की कोशिश करी है और उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश करी है कि देश के विकास में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर वो महिलाएं आज देश के विकास के लिए, देश के बॉर्डर के लिए,
देश के लिए सोचने के लिए मजबूर हो रही है या देश के लिए सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो लोग अपना कुछ समय निकाल के ये चीजें देखती हैं, पढ़ती हैं, समझती हैं और वहां तक अपनी जानकारियों को ले जाती है कि आज हमारा देश सुरक्षित है, दुनिया में क्या हो रहा है और उसकी वजह से हमें क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है। आज आप देखिए घरों तक जो पानी जल पहुंच रहा है, बहुत बड़ी योजना है। आज सरकार 70 साल के बाद अगर लोगों को साफ पानी भी पीने को नहीं मिल रहा था और अब उन्हें मिल रहा है, तो जरूर उनका विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ रहा है। ठीक है पंकज जी का मैं रुकना चाहूंगी, पंकज जी क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को फिर से रिपीट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर उनकी लोकप्रियता कम होती नजर नहीं आई है, चाहे वो हम चुनाव प्रचार के दौरान भी उन चीजों को देख चुके हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर नए मंत्रियों को उतारा गया है, जितिन प्रसाद को पहली मर्तबा यहां से मौका दिया गया है जब हम पीलीभीत की बात करते हैं, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी ना मिलना क्या ये पार्टी के लिए एक तरीके से विश्वास है, या फिर उम्मीदवारों को फिर से मौका देना चाहती, चाहे वो नए उम्मीदवार हो या फिर जो अब रिपीट किए गए हैं उन उम्मीदवारों को फिर से जनता मौका देना चाहती है, तो ये उम्मीदवारों का कमाल है या फिर एक दल का एक पार्टी का? देखिए एक बात समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां रही हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सुशासन कर रहा है योगी आदित्यनाथ ने कायम किया है, तो वो प्रत्याशी कोई भी हो जनमानस जो है मोदी के चेहरे को देख के और मोदी जी की नीतियों को देख के वोट कर रहा है। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, पूरे भारत में 97 करोड़ वोटर है मनीषा जी, उसमें 48 करोड़ महिलाएं, 48 करोड़ महिलाओं में महिलाओं के लिए जिस तरह से 33% आरक्षण का काम और जिस तरह से 33% आरक्षण का काम महिला शक्ति वंदन अधिनियम, जिस तरह से मोदी जी ने महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण का कार्य किया है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है महिलाओं को आवास की व्यवस्था करना, जितने आवास 4 करोड़ आवास प्रधानमंत्री ने दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें से 70% 80% जो है महिलाओं को दिए गए। ये भी एक नारी शक्ति जो है ये देख रही है कि जिस तरह से आज महिलाएं राफेल उड़ा रही हैं और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे उनके शिक्षा का मामला हो, चाहे उनकी सुरक्षा का मामला हो, और पीएम तो लखपति दीदी बनाने का भी फिर से ऐलान कर चुके हैं अपने घोषणा पत्र में का मामला हो, ये सब चीजें जनमानस ने जनता ने देखा है, तो ये सब चीजें भी। और महिलाओं का जितनी सुरक्षित मोदी सरकार में महिलाएं अपने को सुरक्षित मानती है, उतना किसी सरकार में उन्होंने अपने को सुरक्षित नहीं पाया, तो ये भी कारण है कि महिलाओं का एक साइलेंट वोट जो है मोदी सरकार के प्रति, और कोई एंटी कंपेंसिंग इस चुनाव में नहीं रही, जिसको जिसको वोट देना था उसने दिया, लेकिन ऐसी कोई लहर नहीं चली कि मोदी सरकार को हटाना है बल्कि मोदी सरकार को लाना है, इस तरह की नीति रही। लेकिन गर्मी का असर होने के कारण ये चीज हुई कि जो है थोड़ा लोगों में मतलब वो रहा, उदासीनता रही गर्मी के कारण, लेकिन आगामी दिनों में अप्रैल के महीने में भी अभी दूसरे चरण का चुनाव है, उसके बाद मई के महीने में चुनाव है और जून में भी जो है 1 जून को लास्ट 7वें चरण की वोटिंग है, तो इसको लिए भारतीय जनता पार्टी को भी कमर अच्छा पंकज जी चलिए सेकंड फेज की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अब सेकंड फेज में गाजियाबाद जैसी सीट पर चुनाव होना है, बुलंदशहर जैसी सीट पर चुनाव होना है, मेरठ जैसी सीट पर चुनाव होना है, तो देखिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी सीटें जहां पर खासतौर पर दलित और मुस्लिम समुदाय को ज्यादा, खासतौर पर गाजियाबाद की जब हम बात करते हैं तो इसका इतिहास, क्योंकि बहुत लंबा समय गाजियाबाद को अस्तित्व में आए हुआ नहीं है, 2008 में 2009 में पहली बार यहाँ पर लोकसभा चुनाव होता है और तब से लगातार बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आती है। इस बार आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने पहला मतदान देखा उसमें मतदान फीसद देखा आपने, और आप बखूबी समझ भी रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, कितना लोगों में प्रभाव है मुद्दों को लेकर, सेकेंड फेज को लेकर आप क्या सोच रहे हैं अभी? देखिए एक बात तय समझ लीजिए, चाहे वो मेरठ की सीट हो चाहे गाजियाबाद की सीट हो, ये मान के चलिए दलितों का विश्वास मोदी सरकार के प्रति बढ़ा है, और दलितों को जिस तरह से उपेक्षित समझा जाता था, जिस तरह से उनको खाली वोटर समझा जाता था, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों के पांव पखारे और ये एक नजीर प्रस्तुत किया, और कुंभ के बाद तो ये एक उन्होंने ये एक नजीर प्रस्तुत किया, और जिस तरह से स्वच्छता अभियान के तहत मोदी जी ने स्वयं झाड़ू उठा के स्वच्छता अभियान किया, उन्होंने कहा कि कोई भेदभाव नहीं, हम सब हिंदू हैं, कोई मतलब हम सब भारतीय हैं, हिंदू हैं, तो इस तरह की जातिगत भेदभावनाओं को चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो सबको साथ ले चल के करने का काम किया, सामान्य वर्ग हो सबके लिए, सामान्य वर्ग के लिए भी देखिए 10% EWS की स्कीम लाई गई जो मतलब कम आय वर्ग के लोग हैं, तो मोदी सरकार ने किसी वर्ग को छोड़ा नहीं, और उन योजनाओं को उत्तर प्रदेश चूंकि 80 सीटों वाला राज्य है तो वहां पर योगी जी ने पूरा मेहनत के साथ इसके परिणाम दिए हैं, इसका कारण है कि देखिए आगामी दिनों में भी ये ग्राफ गिरने वाला नहीं।
ये ग्राफ गिरने ठीक है वाला नहीं, मनीष जी का मनीषा मैं इसे रुक इग्नोर करना नहीं किया चाहूंगी। जा मनीष सकता। जी, इस बार भी मोदी लहर देखने को मिल रही है क्या? क्योंकि हमने देखा 2014 में कितनी अरे बंपर मैंने जीत और मोदी पूरी तरीके से मोदी लहर, फिर मैं आ रहा 2019 में हम आए, 2019 में भी मोदी लहर, 2024 में भी मोदी मैजिक ही है या फिर मुद्दों को लेकर यहाँ पर कुछ चमत्कार होता हुआ नजर आ रहा है? क्या मुद्दों को लेकर अब वोटिंग हुई है या फिर सिर्फ मोदी फेस को लेकर, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर, कमल के फूल को लेकर? मनीषा जी, इस बार ऐसा लग रहा है चुनाव में कि जो पुराने मुद्दे थे उनको तो जनता ये आकलन कर रही है कि क्या उनमें कोई बदलाव आया, क्या वो हल हुए हैं या नहीं हुए। जैसे आप देखिए 370 है, राम मंदिर का इतना पुराना पेंडिंग मुद्दा था, उसका एक सॉल्यूशन आया। तो अब जनता को ये उम्मीद लग रही है कि ये सरकार कुछ मुद्दे हल कर चुकी है और आगे के समय में कुछ और हल करेगी। विपक्ष कोई बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं क्रिएट कर पाया। विपक्ष ये तो कहता रहा हम ये करेंगे, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि हम कैसे करेंगे बिल्कुल या इन्होंने क्या नहीं करा है उसको हम कैसे करेंगे। आप कह दो हम MSP देंगे, कैसे देंगे? आप कह रहे हो हम 1 लाख रुपए देंगे, हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसकी इकोनॉमिक्स कहाँ से आएगी, कैसे स्टडी होगी? बिल्कुल, किसानों को उसका रोड मैप क्या 2019 है, में उसका इन्होंने ढांचा क्या है? आप बोल देंगे कि हमने ये किया, हम वो करेंगे, लेकिन वो कीजिएगा कैसे, वो एक बड़ा सवाल लोगों के मन में भी हो जाता है। उसको लेकर लगातार बीजेपी फिर सवाल भी खड़े करने लगती है कि आप घोषणाएं तो कर देंगे लेकिन करेंगे कैसे, उसका जवाब जनता चाहती है। मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। पंकज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। क्योंकि सवाल देखिए बड़ा है, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग जो है वो हो चुकी है और अब बारी है दूसरे दौर के मतदान की, और उससे पहले भी हमने चर्चा की है। खबरों में आगे रुक